अस्सलाम वालेकुम जनाब डॉक्टर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर जूस, एंड आई एम हेयर टू टीच यू सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, सम टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ द मेडिकल नॉलेज। और ये वो बेसिक मेडिकल नॉलेज है जो हर डॉक्टर के पास होना ज़रूरी है, इरिस्पेक्टिवली कि वो किस फील्ड में या किस लेवल पर काम कर रहे हैं। ये बेसिक नॉलेज ना सिर्फ आपको एक अच्छा डॉक्टर बनने में हेल्प करेगा, बल्कि आपको लीगल इशू से भी बचने में हेल्प करेगा इंशाल्लाह। ये हमारी डायबिटीज़ की सेकेंड वीडियो है, और फर्स्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि बेसिक टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ क्या क्या है जो हमें क्लिनिकली इनकाउंटर हो सकती हैं, और उनको हम किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं दूसरों से, राइट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप पेशेंट को लेबल करना चाहें कि ये पेशेंट डायबिटिक है, प्री डायबिटिक है जिसको हम ग्लूकोज इनटॉलरेंस कहते हैं, या वो पेशेंट नॉर्मल है, राइट। तो इसमें मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ कि डायबिटीज़ मेलिटस हमने कहा था कि दिस इज़ परसिस्टेंटली रेज्ड ब्लड ग्लूकोज लेवल्स जो कि ज़रूरत से ज़्यादा हैं और जो कि अनकंट्रोल्ड हैं, राइट। तो जहाँ तक डायबिटीज़ की क्लासिकल सिम्टम्स की बात है, तो ये टाइप वन डायबिटीज़ में ज़्यादा देखने को मिल सकती हैं। टाइप टू वाले लोग जो हैं वो यूजली इन सिम्टम के साथ प्रेजेंट नहीं होते। तो ये क्लासिकल सिम्टम जो हैं वो पोली यूरिया है, पोलीडिप्सिया है, पोलीफेजिया है विद वेट लॉस, एंड फटीग है और एनोरेक्सिया है, राइट। पोली यूरिया का मतलब है कि यूरिन की जो फ्रीक्वेंसी है और वॉल्यूम है ओवरऑल वो ज़्यादा हो जाएगा, और उसकी वजह यह है कि रेज्ड ब्लड ग्लूकोज लेवल होगा, और उसको एक्सक्रीट करने के लिए जो है वो पेशेंट को वो किडनी जो है वो ज़्यादा यूरिन बनाएंगे ताकि एक्सेसिव ग्लूकोज को जो है वो एक्सक्रीट कर सकें बॉडी से। और पोलीडिप्सिया जो है वो इसके रिएक्शन में जब डिहाइड्रेशन होगा, जब पानी की कमी होगी बॉडी में, तो पेशेंट को जो है वो प्यास ज़्यादा लगेगी, और उसको हम पोलीडिप्सिया बोलते हैं। ये एक्चुअली कंपनसेशन होती है पोली यूरिया की। और उसके बाद पेशेंट को पोलीफेजिया होगा। पोलीफेजिया की वजह ये है कि लिपोलिसिस हो रही है और प्रोटीन जो है वो भी कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज में, फैट्स भी कन्वर्ट हो रहे हैं ग्लूकोज में। उसकी वजह ये मैंने आपको ये बताई थी कि ग्लूकोज जो है वो ब्लड के अंदर तो ज़्यादा है, लेकिन वो इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से या इंसुलिन की रेजिस्टेंस की वजह से यूटिलाइज नहीं हो रहा और जो है वो किडनी से एक्सक्रीट हो रहा है। तो जब बॉडी को एनर्जी चाहिए होगी तो फिर बॉडी जो है वो फैट्स को और प्रोटीन्स को यूज़ करेगी फॉर एनर्जी जनरेशन एंड यूज़। तो इस वजह से जो है पेशेंट का वेट लॉस होगा। एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, इसमें आप ये देखें कि पेशेंट ज़्यादा खा रहा है लेकिन उसके बावजूद उसका वज़न जो है वो कम होता जा रहा है। तो मेडिकल में बहुत कम कंडीशंस हैं जिनमें ऐसा होता है कि पेशेंट की जो है भूख ज़्यादा हो पहले से लेकिन उसके बावजूद भी वज़न में कमी आ रही हो। तो उसकी एक एग्ज़ाम्पल तो डायबिटीज़ है, और दूसरी एग्ज़ाम्पल उसकी थायरोटॉक्सिकोसिस है, राइट, या हाइपरथायरॉयडिज्म है। उसके अलावा फटीग होगी और एनोरेक्सिया होगा, ये वेग सिम्टम्स हैं, लेकिन अगर इनके साथ आ रही है तो सिग्निफिकेंट हो सकती हैं, राइट। इसी तरह पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है, जो BMI है, यूजली वो ओवरवेट होगा इन टाइप 2 डायबिटीज़, और ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा होगा इन टाइप 2 डायबिटीज़, राइट। लेकिन ये टिपिकल सिम्टम्स में नहीं आते, ये रिस्क फैक्टर्स हैं। और साथ ही अगर पेशेंट टाइप 2 डायबिटीज़ का है और आपके पास OPD में प्रेजेंट हो रहा है, तो हो सकता है कि वो किसी भी कॉम्प्लिकेशन के साथ प्रेजेंट हो सकता है, राइट। तो टाइप 2 डायबिटीज़ की जो बड़ी बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको हम 2 सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। जो पहला सब ग्रुप है वो मैक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस हैं, और जो सेकंड है वो माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस हैं। मैक्रोवैस्कुलर के अंदर जो है वो कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे स्ट्रोक हो सकता है, या उसमें जो है वो हार्ट की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जैसे MI हो सकता है, इस्कीमिया हो सकता है, और उसको पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ हो सकती है, राइट। और इसी तरह माइक्रोवास्कुलर जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनमें न्यूरोपैथी है, नेफ्रोपैथी है और रेटिनोपैथी है। तो या तो वो इन कॉम्प्लिकेशन के साथ लैंड कर सकता है OPD में, या वो टिपिकल सिम्टम के साथ लैंड करेगा, राइट। लेकिन अक्सर पेशेंट्स आपको देखने में मिलेंगे जिनको ना कोई कॉम्प्लिकेशन होगी ना कोई सिम्टम होगी, या हो सकता है इसमें से कोई एक सिम्टम हो लेकिन उसकी बेस पे आपको डायग्नोज करना मुश्किल हो रहा है, तो फिर आपको हेल्प लेनी पड़ती है ब्लड ग्लूकोज लेवल की, राइट। तो अगर आपने किसी पेशेंट को डायग्नोज करना है कि ये डायबिटिक है या नहीं है, तो आपको उसके 2-3 लेवल्स करवाने पड़ते हैं शुगर के। इसमें आप ये देख लें कि प्री डायबिटीज़ की रेंज जो है वो डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू डायबिटीज़। तो प्री डायबिटीज़
अगर आप एक पेशेंट में सस्पेक्ट कर रहे हैं और वो आपको लग रहा है कि टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज़ का हो सकता है, तो उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो BSF की 100 to 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। ये जो सारी वैल्यूज़ हैं ये मैंने mg पर डेसीलीटर में लिखी हैं। और BSF का मतलब ये है कि 8 आवर्स और फास्टिंग जो है वो कम से कम पेशेंट ने की हुई हो, उसके बाद जो आप रीडिंग लेंगे वो BSF होगी, राइट? नॉट लेस देन दिस फास्टिंग, उसको हम फास्टिंग नहीं कह सकते। और इसी तरह HbA1c की जितनी भी वैल्यूज़ मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा वो परसेंटेज में होगी, राइट? और जब शुगर रैंडम की बात करते हैं तो 140 से 199 तक की जो रेंज है वो इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस में आती है, जिसको हम प्री डायबिटीज़ बोलते हैं, राइट? और HbA1c जो है उसकी परसेंटेज जो है 5.7 से लेकर 6.2 तक अगर पेशेंट की आ रही है तो उसको हम प्री डायबिटीज़ लेवल करेंगे। और डायबिटीज़ लेवल करने के लिए उसकी जो फास्टिंग शुगर है वो शुड बी मोर देन 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, रैंडम शुगर जो है वो शुड बी मोर देन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, एंड HbA1c शुड बी मोर देन 6.2%, राइट? आप किसी भी पेशेंट को डायबिटिक या प्री डायबिटिक लेवल कर सकते हैं अगर उसमें सिम्टम्स भी हैं और कोई एक रीडिंग आपको मिल गई इनमें से, राइट? अगर सिम्टम नहीं है यानी विदाउट क्लासिकल सिम्टम्स आया है तो फिर आपको कम से कम 2 रीडिंग्स जो है वो लेबल करनी है या डॉक्यूमेंट करनी है बिफोर डिक्लेयरिंग के ये डायबिटिक पेशेंट हो सकता है, राइट? और उन दोनों रीडिंग्स के बीच में जो है वो तकरीबन 1 वीक का गैप होना ज़रूरी है, राइट? लेकिन अगर क्लासिकल सिम्टम्स भी हैं तो फिर कोई एक रीडिंग भी इनमें से होना इज़ सिग्निफिकेंट टू लेबल कि ये डायबिटिक है या प्री डायबिटिक है, राइट? इसी तरह सेकंड जो कॉमन कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि गेस्टेशनल डायबिटीज़ जो है वो आप इनकाउंटर कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, तो उसकी जो रीडिंग्स हैं BSF की BSR की वो ऑलमोस्ट यही वाली है जो मैंने टाइप 1 और टाइप 2 के लिए बताई हैं। इसमें एक और टेस्ट हम करते हैं जिसको हम OGTT या ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट बोलते हैं, राइट? इसमें होता यह है कि 75 ग्राम ऑफ ग्लूकोज जो है वो 200 ml ऑफ वाटर के अंदर डिजोल्व करके पेशेंट को पिला देते हैं और उसके बाद जो है वो पेशेंट की रीडिंग्स लेते हैं। ये बोलस देने के बाद फ़ौरन बाद एक रीडिंग ली जाती है और उसके 2 आवर्स के बाद जो है वो एक रीडिंग ली जाती है, राइट? और जो इसकी इंटरप्रिटेशन है वो वैसे ही है जैसे रैंडम शुगर की है, यानी 140 से 199 तक हो अगर रीडिंग आ रही है तो वो प्री डायबिटीज़ में, और अगर मोर देन 200 की रीडिंग आ रही है तो वो डायबिटीज़ में आप इंक्लूड कर सकते हैं, राइट? इसमें याद रहे कि हम 2 रीडिंग्स लेते हैं, एक इमिजिएटली आफ्टर बोलस और एक 2 आवर्स आफ्टर द बोलस, राइट? इसको ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट बोलते हैं। यूजली आपको ये करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन गेस्टेशनल डायबिटीज़ में जब आपने लेबल करना हो किसी पेशेंट को कि ये गेस्टेशनल डायबिटीज़ का पेशेंट है या नहीं है, तो फिर आपको इस टेस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि उसमें BSF, BSR और HbA1c जो है वो इतने ज़्यादा रिलायबल नहीं रहते, क्योंकि वो एक एक्सेप्शनल फिजियोलॉजिकल स्टेट है, राइट? और इसमें हो सकता है कि आपको पेशेंट में क्लासिकल सिम्टम्स भी ना मिल सकें। उसके बाद कुछ एग्जामिनर जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं आपसे ये पूछने में कि इनके अलावा आप क्या टेस्ट कर सकते हैं टू डायग्नोज अ पेशेंट ऑफ डायबिटीज़, राइट? तो उसमें ज़्यादातर वो टाइप 1 डायबिटीज़ के बारे में पूछ रहे होते हैं कि आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ये टाइप 2 डायबिटीज़ का पेशेंट है या टाइप 1 का पेशेंट है। तो उसमें कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो आपको सिर्फ टाइप 1 में मिलेंगी और टाइप 2 में नहीं मिलेंगी, राइट? उसमें सबसे पहले तो सी पेप्टाइड लेवल्स हैं। सी पेप्टाइड लेवल्स जो हैं वो आपको पता है कि इंसुलिन के साथ होते हैं, यानी अगर पेशेंट में इंसुलिन बन रही है तो सी पेप्टाइड लेवल्स भी उसके ठीक होंगे या ज़्यादा हो सकते हैं, और अगर नहीं बन रही तो सी पेप्टाइड लेवल जो है वो कम होंगे, राइट? और टाइप 1 में आपको पता है कि इंसुलिन डेफिशिएंसी होती है तो सी पेप्टाइड लेवल जो है वो कम होंगे, तो आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये टाइप 1 है या टाइप 2 है, राइट? इसी तरह कुछ बीटा सेल के कंपोनेंट्स हैं जिसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ आपको मिल जाएंगी टाइप 1 डायबिटीज़ पेशेंट के अंदर, जिसमें ग्लूटामेट डी कार्बोक्सिलेज एंटीबॉडीज़ हैं, आइलेट एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ हैं, जिंक ट्रांसपोर्टर के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ हैं, और टेट्रास्पेनिन 7 के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ हैं, या इवन इंसुलिन के अगेंस्ट भी आपको एंटीबॉडीज़ मिल सकती हैं इन द सीरम ऑफ पेशेंट विद टाइप 1 डायबिटीज़। तो इन चीज़ों से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये टाइप 2 का पेशेंट है या टाइप 1 का पेशेंट है, राइट? कुछ एग्जामिनर्स जो हैं वो बहुत स्पेसिफिकली
ये क्वेश्चन पूछते हैं, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रैक्टिकली आपको वैसे ही आइडिया हो जाता है कि पेशेंट के अंदर इंसुलिन जनरेट हो रही है या नहीं हो रही है, और उसमें ये टिपिकल सिम्टम्स हैं या नहीं है, और एज से भी आपको आइडिया हो सकता है कि पेशेंट जो है वो टाइप वन की एज में है या टाइप टू की एज में है। लेकिन अगर आपको डिसाइड करना मुश्किल हो रहा है तो आप इन टेस्ट की हेल्प ले सकते हैं, राइट। तो ये थी एक ब्रीफ सी डिस्कशन कि आप टाइप वन और टाइप टू को कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लैब्स, और आप कैसे डायग्नोज कर सकते हैं कि पेशेंट जो है वो टाइप वन या टाइप टू डायबिटीज़ का पेशेंट है, या प्री डायबिटीज़ का पेशेंट है, या गेस्टेशनल डायबिटीज़ का पेशेंट है, राइट। और कौन सी क्लासिकल सिम्टम्स हैं जिनके साथ पेशेंट प्रेजेंट हो सकता है या हो सकता है कि ये सिम्टम उसमें ना हो, तो फिर आपको लैब्स पे डिपेंड करना पड़ता है। आई होप आपको इस वीडियो से फ़ायदा होगा, इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोगों तक पहुँच सके, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। टिल द नेक्स्ट वीडियो, आई एम डॉक्टर जूस, अल्लाह हाफिज़।